गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जनपद न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति के बाद दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, अधिवक्ताओं ने दी भावभीनी विदाई। मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन 500 बेड के चिकित्सालय भवन का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण, कार्यों की धीमी गति पर जताई नाराजगी, कहा 31 अगस्त तक करे कार्यों को पूरा जिससे हो सके कोरोना मरीजों का इलाज। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रेती चौक जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल जलील ने मुस्लिम समाज से की अपील, कहा शासन के गाइडलाइन के तहत मनाएं बकरीद का त्यौहार, घरों में ही पढ़े नमाज। त्योहारों के मद्देनजर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने गोलघर स्थित जटेपुर पुलिस चौकी से काली मंदिर तक किया पैदल गश्त, पुलिस विभाग के क्वारंटाइन सेंटर का भी किया निरीक्षण, कहा लॉकडाउन के नियमों के साथ हर्षोल्लास से मनाए त्योहार। नवागत सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने किया कार्यभार ग्रहण, विकास भवन के पार्किंग व्यवस्था का लिया जायजा। नदियों के बढ़ते जलस्तर तथा उससे प्रभावित हुए गांव बनौड़ा तथा उत्तरी कोलिया का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण, बंधों के रख रखाव सहित संबंधित लोगों को राशन सामग्री उपलब्ध कराने के दिए निर्देश, कहा कराई जाए सभी लोगों की कोरोना जांच। मोटर क्लेम दावा कार्यालय के नए भवन का जनपद न्यायाधीश ने फीता काट कर तथा शिलापट का अनावरण कर किया उद्घाटन, कहा अब वादकारियों को मिलेगा सुविधा। अपर मुख्य सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में खनिज पदार्थों के संबंध में की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ग्राम सेमरा व जगतबेला का एसडीएम सदर ने किया निरीक्षण, कहा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की है नजर, नहीं है कोई दिक्कत। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा आपसी भाईचारे के साथ मनाए बकरीद और रक्षाबंधन का पर्व, लॉकडाउन के नियमों का करे पालन। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए शांति पूर्वक मनाए त्योहार, जिला प्रशासन है आपके साथ। जिले में शुक्रवार को मिले 117 कोरोना पॉजिटिव मरीज, एक्टिव केस हुआ 1152, जबकि अब तक 51 मरीजों की हो चुकी है मौत, 922 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं घर, सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी ने दी जानकारी। सुमेर सागर तल के खुदाई का कार्य पूरा कर लिया गया है आधा, एसडीएम सदर ने कहा जल्द ही ताल को उसके मूल स्वरूप में किया जाएगा विकसित। चौरी चौरा सर्किल के शेरनी दस्ते के महिला आरक्षियों को दिया गया कैप्सूल प्रशिक्षण, एसपी क्राइम ने महिला आरक्षियों को पढ़ाया सामाजिकता का पाठ। और महानगर में चार थाना क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण दोबारा लगाया गया लॉकडाउन, एसडीएम सदर ने दी जानकारी।